वो तो कैसा लग रहा है आप? हेलो फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड सागरस। यस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए। कहा जाता है दुनिया के चार एंड हैं, उसमें से एक है सागरस जो कि यूरोप पोर्चुगल में है। और ये मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड का शायद दूसरी से तीसरी बार होगा। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूं। फाइनली एक लंबे ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं सागरस। और इसका यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था। हम लोगों को लगा यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे घर के तरफ बहुत ज्यादा ठंड था। तो हमने डबल डबल विंटर वेयर पहन रखा है कि हम लोगों को ठंड मत लगे। पर जैसे ही हम यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत ही सनी सा मौसम हो रखा था। हवा जो है वो ठंडी थी, पर वेदर सच में बहुत अच्छा था। बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत मस्त वाला वेदर था। फाइनली कार पार्क करने के बाद हम अंदर की तरफ गए। और यहाँ का जो लोकेशन था, लोकेशन का व्यू था, वो मुझे कुछ कुछ जयपुर की तरह लगा, क्योंकि हम वहां भी गए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लोकेशन था, तो मैं वहां से रिलेट कर पा रही थी। इसके अलावा यहाँ पे वॉर पे जो गन यूज हुई थी, जो तोप यूज हुए थे, वो भी अंदर रखे हुए हैं। और मैं आप लोगों को आगे वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैंने खुद कोशिश की है कि मैं वीडियो को जितना छोटा से छोटा रख सकूं उतना छोटा रखूं, और आप लोगों को ये वीडियो जो है वो देखने में बोर भी ना हो। यहाँ पे रहे तो इसमें कुछ होगा। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको पहले टिकट लेनी होगी, उसके बाद आप यहाँ से अंदर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अंदर में और कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, सिर्फ एक एंट्री का चार्ज लगेगा जो कि है 6 यूरो का। बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज है, इतना यहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हर किसी के बजट को देखते हुए यहाँ पे ये चार्जेस रखे गए हैं। सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं। कितने की है टिकट? 6 यूरो। ठीक है, फोर्थ लीजर से सर्विस पकड़ लो इसको पॉकेट में। ओए होए, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यहाँ एंटर करा ना, सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शांति यहाँ बहुत है। तो अगर यहाँ पे कोई अपना मन शांत करने के लिए भी आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी ना, मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज दिखी, वो था घंटा। यस, घंटा। और मैं सोच रही थी यहाँ यूरोप में घंटा कौन यूज करता है, मतलब मैंने कहीं नहीं देखा ना, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में बहुत रेयर है। तो मुझे तो ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं सच में काफी देर तक सोच रही थी कि हम जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ रहे थे, हमें हर एक कदम पे ना कुछ नया देखने को मिल रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। जैसे कि ये मछली पकड़ने वाले मछुआरे, मतलब बहुत रेयर होता है ना कि इससे बाहर में आप कहीं पे देखो कि कोई मछली पकड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मछुआरे होते हैं उनको तो प्रॉपर यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है, शायद पूरे दिन की होती है, मुझे नहीं पता, कोई लाइसेंस होता है इनका, जिससे वे महीने के, डे के, 15 डेज के, ऐसे अलग अलग इनके लाइसेंस होते हैं, इतने इतने डेज के। और वो यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और फिर जाके मार्केट में सेल कर देते हैं। और आपके व्यू देखो, क्या गजब का व्यू है,
पानी इतना साफ, इतना साफ, पहली बार शायद मैं इतना साफ पानी देख रही होंगी। एक गंदगी नहीं, बिल्कुल। मतलब यहाँ तो आप देख रहे हो हल्का हरा भी है, हल्का ब्लू सा भी है। आप जब थोड़ी सी और आगे जाएंगे हम वर्ल्ड एंड, बिल्कुल यहाँ पे जो एंड वाला लोकेशन है, वहां पे आपको पानी का कलर और चेंज दिखेगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी। जितनी दूर तक देखो ना, कुछ ही नहीं दिखेगा। अच्छा, हम वहां से जा सकते हैं उधर किनारे पे, वहां पे कहाँ से जाएगी? वहां जा रहे उधर से एक बोल रास्ता था ना, जो आपने मुझे दिखाया था, जिसमें बिल्कुल लास्ट हो जाते हैं जा। देखो मैं तो फोन उधर मत करना ज्यादा। वो तो साफ है शुरू पानी में। बिल्कुल ब्लू। ओए देखो, रेनबो के कलर जैसा दिख रहा है वहां पे जब ऐसे चल रहा है, ऐसा लग रहा है रेनबो निकल रहा है। ओए होए, इस बहुत ही सुंदर से वाटर वाले रेनबो के व्यू के बाद हम गए आगे की तरफ। एक चीज का ध्यान आप यहाँ पे जरूर रखना, जब आप यहाँ पे आओ ना, तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके आना कि यहाँ पे आपको ना चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा चलना पड़ेगा। बहुत 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 काटा है हमने, तब जाके ये 1 से 2 घंटे के अंदर हमने कवर करा है। वैसे अगर आप ये पूरा बिल्कुल आराम से घूमना चाहो ना, तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। वैसे ये जगह मुझे पर्सनली पिकनिक स्पॉट से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि हम इंडियंस है ना, और हमको पिकनिक करने का थोड़ा जरूरत से ज्यादा आदत है। मतलब मुझे तो है पर्सनली, अगर आप खाना बना नहीं सकते वहां पे, तो ऐसा होता था हम इंडियंस में कि आप घर से बना के लेके गए हो और यहाँ पे बैठ के खा रहे हो, मस्त व्यू इंजॉय कर रहे हो, ठंडी ठंडी हवा है, घर का खाना है, मतलब वाह वाली फीलिंग। पर दो ही लोग क्या ही करेंगे यहाँ पे, और यहाँ अलाउड भी नहीं है कि आप बाहर का ला के खा सको। पर व्यू, वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अच्छी खासी देर वॉक करने के बाद हम एक लोकेशन पे पहुंचे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले आ चुके हैं, तो उनको पता था कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, और मेरे लिए सब कुछ नया था यहाँ पे। तो ये मुझे लेके चल रहे थे आगे की तरफ और बोल रहे थे, चल मैं तेरे को एक सरप्राइज देता हूँ, तेरे को कुछ नया दिखाता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए, यार ऐसा भी क्या है, ये तो बिल्कुल सीमेंट सा गोल गोल, ये पजल नहीं होता जैसे ही। मेरे को लगा ये कुछ अंदर में पजल होगा, और अंदर हम जाएंगे और भूल भुलैया की तरह घूम जाएंगे और फिर वहां से निकलना होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई देख के। इसमें देखो, ये इंडिया में जैसे ये लव ये नहीं लिखते। ओ वाओ, मेरे को ये सारा सारा काम ना सिर्फ इंडियन लवर्स ही करते हैं। दिस लव दिस, आवाज गूंज रहा है। रोहित रोहित के चाहने वाले सब जगह है। नीचे समुद्र से आ रहा है हवा, बड़ा मस्त है यार।
पजल राउंड को हमने बहुत इंजॉय करा, यहाँ पे बहुत सारे रील्स बनाए। अगर आप वो प्यारे प्यारे रील्स देखने चाहते हो ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को विजिट कर सकते हो, कल्याणी रोहित। आईडी में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और जैसे ही हम इस पजल राउंड से बाहर निकले ना, आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही कमाल का व्यू था, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। जब से मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ तब से लेके अब तक कहीं भी दूर दूर तक एंड नहीं दिखाई दे रहा है। इस जगह को जो कहा जाता है ना वर्ल्ड एंड, ये सच में वर्ल्ड एंड है। इसके बाद की दुनिया जो है ना वो फिलहाल नहीं दिखती है। हाँ, एंटर करने का अलग था, निकलने का अलग था। खुश, बहुत खुश। मी ऑलवेज खुश। ओ वाह, बताइए मिस्टर रोहित पटेल जी। ओए, ये कहाँ अमेरिका से आ रही है? अमेरिका तो हमारा बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे एक और ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके पानी को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। और मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि मैं आगे जाऊं, पानी को टच करूं, क्योंकि यहाँ का पानी भी ना बहुत ही ज्यादा क्लीन है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि वहां का पानी ब्लू दिख रहा है, आगे का पानी आपको ग्रीन दिखेगा। तो वो ये है, जब आप इसके पास जाओगे ना तो आपको ये पानी ग्रीन कलर का दिखेगा। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आगे जाऊं, पर मेरे हस्बैंड ने मेरे को साफ मना कर दिया था, तू नहीं आएगी, मैं आ रहा हूं देख के। और जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी वो दौड़ के वापस आ गया कि तू चल बस, हो गया, और मैं यहां से निकल गई। पर बाय द वे, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, आगे और भी बहुत कुछ है देखने को। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे वॉर में यूज हुए तोप भी मौजूद हैं, जिसमें बिल्कुल बुरी तरीके से जंग लगा हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे एंटर कर रही थी जब भी बताया कि मेरे को बिल्कुल जयपुर वाली फीलिंग आ रही है, वहां पे भी वॉर में यूज किए हुए तोपों को रखा गया है, पर वहां पे सिक्योरिटी बहुत है और उसकी केयर बहुत ज्यादा की हुई है। हैट्स ऑफ सच में। और जैसे ही आप यहाँ के तोपों को देखोगे ना, बिल्कुल ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तो है पर ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं है, और उसमें ना जंग लग गई है, बहुत सारे तो ऊपर ऊपर से निकल रहे हैं जैसे पपड़ी निकलती है ना वैसे। जयपुर की एक बहुत अच्छी खासियत है, वहां पे मैंने देखा था, वहां पे सारे तोपों के ऊपर से कवर करके रखा हुआ था ताकि उसमें बारिश ना जाए, धूप जरूरत से ज्यादा ना पड़े। शायद इसी वजह से वहां पे तोप जो है वो ज्यादा अच्छे हैं यहाँ के मुकाबले। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ के तोपों का क्या हाल है। उसके लिए हमें यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा, प्रॉपर सीढ़ी नहीं है, आपको ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा, पर आप इसमें बहुत आसानी से चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी चढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना आपके ब्रेकर टाइप्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे से पत्थर, और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओए, अब नहीं दिखती है वाली चिड़िया, इंडिया में भी बहुत कम होती है। ओए, चढ़ूंगा कैसे? ओए ओए, जयपुर में भी लगभग यही वाला व्यू था सुना। उधर भी सेम चीज रखी हुई है। किधर? उधर उधर कुछ नहीं है, है तो मास्टर। अच्छा,
और ये रहे आगे वॉर में यूज हुए तोप। ये सारे जो आप तोप देख रहे हैं वो वॉर में यूज हुए हैं। इसके अलावा इसके अपोजिट साइड में इतने और तोप रखे हुए हैं। जैसे ही आप इसको पास से छूने जाओगे आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा जंग लगे हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, खुशियां फैलाते रहो।